He is the youngest principal of Delhi University. कोई ऐसा प्लान नहीं था. It was not planned that I will become a teacher. So I started teaching 12th class students. घर पे जाके पढ़ाता था, चप्पलों में जाके पढ़ाता था. 300 रुपए मिलते थे महीने के. Huge multi-purpose hall बनने वाला है, 1200 की capacity का. That will be indoor basketball court also and air conditioned होगा वो. अभी बच्चे मैं देख रहा था कि examination देते हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, पंखे मतलब heat ही इतनी है. तो उस पूरे AC हॉल में हम एग्जाम ले सकते हैं बच्चों का. वो मल्टीपर्पस हॉल क्रिएट करने का पर्पस ही हमारा ये है. और लाइब्रेरी हमने ऑर्डर टेंडर दे दिया लाइब्रेरी का रिनोवेशन का. तो लाइब्रेरी टेम्परेली हम अभी शिफ्ट करेंगे. तो बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी अभी बंद हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए. कोई भी प्रिंसिपल अपने 5 साल निकाल के जाए, 10 साल निकाल के जाए और ये बोले कि सारे लोग बहुत खुश थे, तो फिर इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया. हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. My name is Mohini Awasthi and I'm from the Department of English. I'm an assistant professor here. Today, our guest is Honorable Principal, Professor Arun Kumar Atri. And you should know that he is the youngest principal of Delhi University. And he has an additional charge of being the principal of Shaheed Bhagat Singh College in the evening also. So, sir, everybody looks for you for inspiration, for guidance, right? But can you tell me a little bit about your own background and what inspired you to take education as a career? Thank you, Mohini, first of all, for this podcast. If you talk about the background, mm-hmm. I come from a very, very humble background. I am being born and brought up in a government colony. My father was in Delhi police. And we never thought that we will have this life that we are having. And it was like struggling all those days. Ye sare jitne bhi din the, ye struggle ke days the. मैंने पहले भी जैसे बताया है, तो कोई ऐसा प्लान नहीं था. इट वाज नॉट प्लान दैट आई विल बिकम अ टीचर. इट वाज ओनली दैट व्हेन आई पास्ड माय 12th एग्जामिनेशन, सो आई थॉट दैट आई शुड अर्न समथिंग फॉर माय पॉकेट. यू नो यूजुअली पीपल गेट, स्टूडेंट्स गेट मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट आई वाज नॉट गेटिंग एनी सच मनी. सो आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट टेकिंग ट्यूशंस. सो व्हाइल इन ग्रेजुएशन, आई वाज इन ग्रेजुएशन व्हेन आई वाज इन बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर. So I started teaching 12th class students. उनको 12th वालों को पढ़ाता था, 11th वालों को पढ़ाता था, accounts, mathematics ये सब पढ़ाता था. फिर घर पे जाके पढ़ाता था, चप्पलों में जाके पढ़ाता था. 300 रुपए मिलते थे महीने के. और जब 3 महीने हो गए तो मैंने फिर 1900 रुपए इकट्ठे हुए, तो उससे मैंने एक साइकिल ली, काली वाली साइकिल आती थी वो साइकिल ली. और फिर अगले 3 महीने के मतलब 1 महीने के बाद फिर 300 रुपए जो मिले उससे मैंने अपने शूज लिए. और फिर मैं साइकिल से लोगों को घर पे जाके पढ़ाता था बच्चों को. तो ऐसे शुरू हुआ. फिर पढ़ाते 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 बच्चों के नंबर अच्छे आए तो मुझे ट्यूशंस मिलती गई. फिर मैं अपना भी खुद पढ़ता था, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो पढ़ाते हुए रात हो जाती थी कई बार, तो 12 बजे घर पहुंचता था, 11 बजे. एग्जाम टाइम में बच्चों को पढ़ाता रहता था क्योंकि हर एक बच्चे के एग्जाम्स होते थे, तो उस टाइम चाहते थे उसके पेरेंट्स के उसको पढ़ाया जाए. तो वो एक तरह से होम ट्यूशंस में पढ़ाता था. फिर अपना पढ़ने के लिए टाइम जो है वो रात को 12 बजे खाना खाया, फिर 2-3 घंटे में अपना पढ़ता था ग्रेजुएशन का. और फिर सुबह थोड़ा सा लेट उठता था तो पहला लेक्चर मिस हो जाता था. तो वो टीचर, हाँ वो टीचर फिर मुझे घुसने नहीं देते थे क्लास में, तो मैं वेट करता था. लेकिन जब वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टीचर थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, फिर सेकंड ईयर में उन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाया था. तो जब वो सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जब उनकी क्लास वही होती थी सुबह 8:30 बजे, तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरे फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, किस स्टूडेंट के आए हैं. तो उन्होंने बोला सर वही जो जिस क्लास में नहीं आता आपके, जो आप घुसने नहीं देते वो लेट हो जाता है. तो इस तरह से ग्रेजुएशन में फिर फाइनली आई टॉप दी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितना पढ़ना चाहिए. और बच्चों को अपनी पोटेंशियल पता भी नहीं होते कई बार, ना ही हमें कोई बताने वाला होता. तो
बस ऐसा था कि पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, फिर उससे मैंने स्कूटर खरीदा सेकेंड हैंड 3,000 रुपये का। फिर उसके बाद और थोड़े पैसे मिले पढ़ाते पढ़ाते, फिर वो मैंने बाइक खरीदी, फिर उससे मैं इस तरह से पढ़ाने लगा। और बस जब पढ़ा रहा था तो फिर और टीचर्स से मुलाकात हुई जो और टीचर्स पढ़ाते थे, तो किसी ने बोला कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए, आपको इतनी नॉलेज है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं आप, तो सिविल सर्विस की तैयारी कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई वो क्या होता है, कैसे होता है? फिर किसी ने बोला कि आप साथ के साथ नेट का एग्ज़ाम भी दे दीजिए। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोलता ये आप लेक्चरर बन जाएंगे कॉलेज में। तो मैंने कहा अच्छा लेक्चरर बनते हैं कॉलेज में, तो उसमें नेट और जीआरएफ ऐसे आता था, तो आई वाज नॉट अवेयर कि जीआरएफ क्या होता है। मतलब दिस इज व्हाट ए पर्सन कम्स फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैज नो काउंट। अब आज की डेट में तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर आप सर्च मारो। हमारे टाइम पर तो ये सब नेट वगैरह पर कुछ होता ही नहीं था, तो पता ही नहीं लगा सकते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बस वो ऐसे ही कोई भी गाइड करता था, कोई बोलता था इस एग्जाम की तैयारी कर लो, कोई बोलता था इस एग्जाम की तैयारी कर लो। तो फिर ऐसे ही नेट का एग्जाम दे लिया, वो जब प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विस की, नेट का एग्जाम निकल गया। तो बस यही चलते चलते फिर पता नहीं था, ऐसे ही बोला किसी ने कि वहाँ पे श्यामलाल कॉलेज में मैं गया एक बार, कि किसी ने बोला वहाँ पे चले जाओ, ऐसे यूनिवर्सिटी में एंट्री लेनी होती है तो गेस्ट पढ़ाना पड़ता है पहले। तो मैं श्यामलाल कॉलेज में, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज अच्छा, तो मैं श्यामलाल कॉलेज पहुंच गया। वहाँ 250 रुपये मिलते थे क्लास के लिए, एक क्लास के 250 रुपये मिलते थे। सो आई वेटेड फॉर 3 डेज तक, 3 दिन तक मैं वहाँ गया। तो वहाँ उन्होंने फिर बोला कि नहीं किसी और को लगा लिया है तो आप रहने दीजिए। तो फिर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि आप एडहॉक एम्पैनलमेंट कराइए, नाम एडहॉक पैनल में डलवाइए। तो वो कहाँ डलता है? तो पहली बार नॉर्थ कैंपस गए हम, देखा वहाँ पे कि एडहॉक डिपार्टमेंट में एम्पैनलमेंट होता है, तो वहाँ पे हमने अपना एम्पैनलमेंट कराया। फिर एडहॉक मिला इसमें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में, एंड बस उसके बाद 3-3.5 साल फिर यहाँ पर इंटरव्यूज हुए, एंड देन इन 2011 आई गॉट परमानेंट हेयर शहीद भगत सिंह कॉलेज। तो सर आपने ये सब बातें बताई, इतनी लंबी जर्नी रही, तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन क्या आपको इस चीज़ से मिलती थी कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं? बिकॉज टीचिंग की जॉब बहुत फुलफिलिंग होती है जब एक बच्चा बोलता है कि ये इस टीचर की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। देखिए ये तो बहुत ही रिवार्डिंग होता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जब मैं यहाँ पर 2011 में परमानेंट हुआ, एट द सेम टाइम आई गॉट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट कमिश्नर इन सिविल सर्विसेज इन टैक्स डिपार्टमेंट इन यूपी। तो एट द सेम टाइम मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सो फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया और मैं यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। वो एक जो आप बता रहे हैं कि बच्चों का, तो वहाँ पर ना एक्चुअली इम्पैक्ट देखा वो एक बड़ा, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, मेरा गांव यूपी में है, तो वहाँ पर ना सिविल सर्विसेज नीली बत्ती की गाड़ी वो लोगों को बड़ा चार्मिंग लगता है। और जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं आई विल बी ए टीचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जो गांव वाले थे उन्होंने बोला कि, मेरे फादर को भी बोला कि भाई ये क्या मतलब, ऐसा कैसा डिसीजन है, ये मास्टर बनना चाह रहा है, ये कमिश्नर ही छोड़ रहा है। तो एक्चुअली आई असेस्ट दैट के इम्पैक्ट कहाँ पे है आपका सोसाइटी में। बीइंग ए सिविल सर्वेंट, नो डाउट दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉलिसी मेकिंग, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्लीमेंटेशन, बट एज अ टीचर आई थिंक दैट योर इम्पैक्ट इज मच मच बिगर, बिकॉज यहाँ पर आप हर साल इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो आपका ना एक होता है ग्रोथ होती है और इम्पैक्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप समझते होंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है 2, 4, 6 यू नो, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4 यू नो 16, 32 लाइक दिस। तो वो जो हमारा ज्योमेट्रिक, तो टीचर का जो इम्पैक्ट होता है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। सिविल सर्वेंट का इम्पैक्ट जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। सो डेफिनेटली ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है जब कोई स्टूडेंट जो है अच्छा करता है। हमारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में गए, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में गए, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में गए, पर
जो टीचर की जो अच्छे टीचर की जो याद रखते हैं बच्चे अभी भी मेरे को मैसेज करते हैं। एक एयरफोर्स में है एक ऑफिसर है, तो उसको मैंने पढ़ाया था अरविंदो कॉलेज में, तो वो आज तक ये बात मतलब वो अभी तक मेरे को टीचर्स डे पे अभी तक मैसेज भेजता है, अभी तक वो बताता है कि सर मैं बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो बड़ी खुश होती है, बड़ी खुशी होती है इस बात की हमें। So I think civil servants make policies, teachers make policy makers. मैंने कहा ना इम्पैक्ट जो है वो टीचर का मेरे हिसाब से ज्यादा है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो अब तो सर आपने कमिश्नरी छोड़ दी, ठीक है, अब प्रिंसिपल आप बन गए। नाउ देर आर सम डे टू डे चैलेंजेस जो आपको रोज फेस करने पड़ते होंगे एज अ लीडर। हाँ बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू आस्क दैट व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड आप उनको कैसे ओवरकम करते हैं? देखो चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी आप ग्रो नहीं करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, लाइफ पहले भी जो थे वो चैलेंजेस थे, आज जो है दूसरे तरीके के चैलेंजेस हैं। आज क्या है, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हाट आई सी के टीचिंग तीन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इमीडिएटली, एक तो टीचर्स हैं और सबसे बड़े स्टूडेंट्स हैं और एक नॉन टीचिंग स्टाफ है। बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ना ये फैसिलिटेटर्स हैं। हमें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है टू गेट द बेस्ट एजुकेशन। तो चैलेंजेस क्या हैं? अब चैलेंजेस ये हैं कि स्टूडेंट्स को एट द सेम टाइम डिसिप्लिन्ड भी रखना है, एट द सेम टाइम मोटिवेटेड भी रखना है। सेम गोज फॉर द टीचिंग स्टाफ एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ, क्योंकि अगर आप किसी को खुश रखना चाहते हो तो वहां पे डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और अगर किसी को स्ट्रिक्ट रखते हो डिसिप्लिन रखते हो तो फिर वो लोगों को एक ना ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन लगने लग जाता है, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लगने लग जाता है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है टू हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस कि वो डिसिप्लिन भी रहें और मोटिवेटेड भी रहें। तो आप देखो कि यहाँ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया और उनके लिए क्लासेस भी लगवाई, उनको जितनी अच्छी फैसिलिटीज मिल सकें, उनके लिए स्मार्ट क्लासरूम्स बन सकें, लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं अवेलेबल हो सकें, लाइब्रेरी के टाइमिंग्स को एक्सटेंड करने की बात हो या कुछ भी हो, मतलब वो साइमल्टेनियसली किया। तो वो स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो समझ गए, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। तो वो एक हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता होगा कि शायद प्रिंसिपल अथॉरिटेटिव हैं या वो है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखोगे दे अप्रिशिएटेड इट, ठीक है, कि हमें फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल से कोई स्टूडेंट मिल नहीं सकता, ओपन डोर पॉलिसी है, चाहे मुझे समय ज्यादा देना पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्या जरूर सुनी जाएगी। सेम थिंग इज फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ। जो चैलेंज है नॉन टीचिंग स्टाफ का, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करने का क्या होता है, एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम आ जाती है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम काम करें ना करें हमें तो सैलरी मिलेगी। तो वो माइंडसेट चेंज करना बड़ा जरूरी है। तो मैंने अपने स्टाफ को बहुत प्यार से भी और बहुत ही कड़े शब्दों में भी ये समझाया है कि आप यहाँ पे सेवा के लिए हैं, ठीक है। जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वो हमारे से पोलाइटली बात करे। आप देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आप अगर आपसे डॉक्टर प्यार से बात कर लेगा ना आपकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंटर पे कोई स्टूडेंट आता है आप उससे मिसबिहेव करते हो, तो वो आता है, कईयों की आर्ग्यूमेंट आती है नहीं सर बच्चे भी मिसबिहेव करते हैं। मैंने कहा ठीक है ये ना कैमरे लगाओ यहाँ पे काउंटर पे, अभी नेक्स्ट सेशन में काउंटर पे कैमरे लग जाएंगे विद वॉइस रिकॉर्डिंग, कि आई वांट टू सी कि आप लोग किस तरह से बच्चों से डील करते हो। तो बच्चों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर किस लिए हो आप। अगर मैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी प्रिंसिपल अपने 5 साल निकाल के जाए 10 साल निकाल के जाए और ये बोले कि सारे लोग बहुत खुश थे, तो फिर इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। सबको खुश करने का मतलब है आपने इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क किया। तो
तो जब आप इंस्टीट्यूशन को सुधारने चलेंगे तो कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट हार्म होंगे, कुछ लोगों का कंफर्ट जोन तो डिस्टर्ब होगा, जो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है वो पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, बस इन्हीं को जूझना पड़ता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें एक भगत सिंह कॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चैलेंज और है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। मॉर्निंग इवनिंग कॉलेज सेम टाइम पे चलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच है, एनईपी आया है, ऑप्शंस इतनी खुल गई हैं, वी नीड रूम्स, वी नीड स्पेस, बट देर आर कॉन्स्टेंट्स, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली विद द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वी विल बी एबल टू गेट सम वेरी गुड सॉल्यूशन इन द कमिंग टाइम्स। होपफुली विद द हेल्प ऑफ यू सर वी वुड गेट दैट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल हमारे करियर में वी हैव अप्स, वी हैव डाउन्स, सो इज देयर अ माइलस्टोन इन योर ओन करियर, एन अचीवमेंट इन योर करियर दैट यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ? देखो, मैं अगर माइलस्टोन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला मेरे जीवन में व्यक्ति के क्या होता है कि उसकी जॉब लगती है, क्योंकि उसके जॉब लगने से क्या होता है उसके पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज तो वो पहला माइलस्टोन था मेरे जीवन का। आप सोचो कि मैंने उसके लिए 3 साल तैयारी करी, 4 साल तैयारी करी, और जब वो मिला तो फिर लगा कि नहीं, कुछ और बेटर है मेरे लिए। तो लोगों को नहीं पता होता, यू आर मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग एंड व्हेन यू अचीव दैट, दैट अचीवमेंट इज नो लॉन्गर ए मोटिवेटर एंड दिस इज व्हाट द लाइफ इज, यू कीप ऑन। मतलब मैं इस कॉलेज में आया 2011 में, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा, बट व्हाट आई डिड, आई थॉट दैट यू नो, भगत सिंह की स्टैच्यू देखी थी, वो बड़ी वाइब्स ऐसी आई थी, तो मुझे लगा कि यू नो ही वॉन्ट्स टू से समथिंग टू मी। तो आई डिवोटेड माई टाइम, आई डिवोटेड एवरीथिंग टू द कॉलेज। 2011 से जितने लोग जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कॉलेज में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया होगा। सो दैट ओनरशिप हैज टू कम एंड दिस इज अ रीजन दैट यू नो इट वॉज लाइक कि 2022 में व्हेन आई बिकेम द प्रिंसिपल, एडवर्टीजमेंट बंद हो गई थी 2022 जनवरी में एडवर्टीजमेंट क्लोज हो गई थी एंड आई बिकेम एलिजिबल इन ऑगस्ट, आई वॉज बिकमिंग एलिजिबल फॉर प्रिंसिपलशिप इन ऑगस्ट 2022। तो इंटरव्यूज वर सपोज टू बी कंडक्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, मार्च अप्रैल 2022 में होना था एंड टिल मतलब जुलाई तक मैंने सोचा भी नहीं था एंड फॉर वन रीजन और द अदर इट गॉट डिलेड एंड डिलेड फॉर गवर्निंग बॉडी और द वन अदर रीजन, वो डिले होता गया एंड देन सडनली आई बिकेम एलिजिबल एंड देन यू नो एप्लीकेशंस रीओपनड एंड आई अप्लाइड। सो इट्स लाइक व्हेन यू गिव टू द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑल्सो यू नो पुल्स यू, वो भी चाहता है। जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना दुनिया में तो ऐसे ही चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बायरन की एक बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो ये बताता है कि जो हम कहते हैं ना कि जो कायनात सारी देने में लग जाती है जो हम चाहते हैं, तो वो उसी पे काम करती है। ये बात सच भी है कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए ये नहीं कि अब मैं बोलूँ कि मैं तो दुनिया का इतना सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, अगर आप ये भी चाहते हैं तो यू हैव टू रियली वर्क फॉर दैट, यू हैव टू फील फॉर इट, योर एफर्ट शुड बी वेरी ऑनेस्ट फॉर इट, देन यू गेट इट, ठीक है। ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े तो कुछ भी नहीं मिलेगा दुनिया में, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनेस्टी, यस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हैव डू यू थिंक यू हैव ग्रोन पर्सनली एंड प्रोफेशनली फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टीचिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ टीचर, उसके बाद आप प्रिंसिपल बने, सो Was there a personal and professional growth in between? देखो क्या होता है कि every day you learn. आप daily basis पे learn करते हैं. If you see the transition from a teacher to an administrator, teacher to a principal, lot of difference. If you ask me, when I joined 1.5 years back as a principal and now, there is again a lot of difference. So every day I am learning. हर कोई इंसान रोज सीखता है. तो आप खुद देखिए कि आज आप जब आपने join किया एज ए टीचर, आप अपने आप को 10 साल बाद देखेंगे तो यू विल बी ए मच बेटर रिफाइंड टीचर।
एक टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है जहां पर आप ओल्ड नहीं होते। आप डॉक्टर्स देख लीजिए, टीचर्स देख लीजिए, लॉयर्स देख लीजिए, ये जितने भी प्रोफेशंस हैं इसमें ना आप ग्रो करते हैं, और जितने आप पुराने होते जाते हैं, जितने ओल्ड होते हैं, आप और ज्यादा नॉलेजेबल होते चले जाते हैं। आप देखिए, पुलिस में से अगर कोई रिटायर हो जाएगा, वंस ही रिटायर देन ही कांट वर्क एज अ पुलिसमैन, है ना। लेकिन अगर टीचर रिटायर हो जाएगा वो फिर भी पढ़ा सकता है भाई, पढ़ने कहीं भी पेड़ के नीचे पढ़ाने लग जाएगा, अच्छा पढ़ाने वाला, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी बच्चों की। तो डेफिनेटली बहुत फर्क है। और एक जो डिफरेंस मुझे लगता है कि एज ए टीचर, हम जब हम इट इज जस्ट लाइक कि हम एक ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और जब आप प्रिंसिपल जब टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हो तो फिर आपको थोड़ा सा आपका जो होराइजन है थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। एज ए टीचर आपको खुद लगता है, पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन वाली सीट पे जाते हो तब आपको लगता है, उससे पहले तो लगता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गलत ले रहा होगा, गलत फैसला कर रहा होगा। हम एक पार्टी होते हैं, हम एक स्टेक होल्डर होते हैं एज ए टीचर। हम सोचते हैं कि ये जो डिसीजन आए वो हमारे इंटरेस्ट में हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति एज ए प्रिंसिपल या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ले रहा है उसके लिए तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके लिए टीचर्स भी हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स भी हैं, उसके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, उसके लिए और लोग भी हैं। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। यस, सो एक बात सर ने बोली कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर्स यंग रहते हैं, बिकॉज वी आर सराउंडेड विद स्टूडेंट्स एंड दैट मेक्स अस पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने टीचर्स के बारे में बात की, नाउ व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स या वैल्यूज दैट यू थिंक सम the students should have in their own college life? देखिए, over a period of time ना colleges जो हैं वो एक ऐसा center बन के रह गए जो कि एक degrees बना दे रहे हैं बस। बाकी एक larger perception ये बना कि बच्चे खुद पढ़ते हैं, college तो नाम के लिए आते हैं, college वो grow करते हैं, activities से सीखते हैं। No doubt about it कि Delhi University में एक्टिविटीज होती हैं आपके अंदर, जो पर्सनालिटी जो ग्रूम करती है, वो जो लीडरशिप, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ यू ऑर्गेनाइज द इवेंट, है ना, उसमें बजट बनाते हैं तो बजटिंग सीखता है बच्चा। कितना मैंने डिमांड किया, कितना प्रिंसिपल ने कट किया, क्या सैंक्शन हुआ, अगर शॉर्ट फॉल है तो आई शुड गो फॉर स्पॉन्सरिंग, तो मैं बाहर से पैसे लाते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, तो ये उसको पता नहीं चलता है। लेकिन ये चीजें जो हम बुक्स में जो पढ़ाते हैं वो बच्चे जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो सीख जाते हैं। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब इस तरह का है कि आप यहाँ पर नॉलेज तो दे ही रहे हैं लेकिन आप लीडर्स भी तैयार कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज, सो आई थिंक स्टूडेंट शुड फोकस, स्टडीज तो है एक पार्ट है, They should participate in activities. अभी क्या है कि इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन कह लो आप, या किस चीज मतलब एक लाइफ में आगे बढ़ने की एक होड़ कह लो आप, कि बच्चों को लगता है कि यार ये ग्रेजुएशन तो नाम के लिए खत्म हो जाए, उससे पहले मैं मतलब ग्रेजुएशन तो सभी कर रहे हैं, मैं उसके अलावा क्या कर रहा हूँ। तो वो अपने आप को एक किसी कोर्स में एनरोल कराएगा, CA करेगा साथ में, या बिजनेस करेगा, पर वो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो ना यहाँ कॉलेज में ग्रो नहीं कर पाता, कॉलेज की लाइफ को जो कॉलेज से ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं कर पाता। मतलब हम गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। एक अभी इंटरव्यू कोई लेने आया था मेरा, तो पूछ रहे थे कि आपने डिटेन कर लिया जी बच्चों को, तो क्या बच्चों के मतलब ये प्रोजेक्शन ऐसे जाती है ना डिटेन कर लिया, तो क्या मतलब बच्चों के एंटी है क्या ये प्रिंसिपल अगर बच्चों को डिटेन कर लिया। देखो, डिटेंशन हमने ग्रेडेड की कि एक सब्जेक्ट में इतनी परसेंट है तो एक सब्जेक्ट में अगर 20 पर इतनी है तो 2 में, 3 में, 4 में, मतलब पर्पस हमारा था मैसेज देना कि भाई आप जो है कॉलेज आपके ऊपर, सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। मैंने कैलकुलेशन की थी, 2,25,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च करती है सरकार, हमारी गवर्नमेंट 2,25,000 रुपया एक बच्चे पे खर्च कर रही है। हम बच्चे से फीस ले रहे हैं 15,000 रुपए,
210,000 रुपये सरकार ने आपके ऊपर खर्च किया, वो बच्चा एक दिन कॉलेज नहीं आया। जो बच्चा इस बेनिफिट को ले सकता था उसको एडमिशन ही नहीं मिला। ही कुड हैव अवेल्ड दैट फैसिलिटी। तो क्या जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस इंस्टीट्यूशंस तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस तक नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि एक जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, वो क्या कर रहा है, यहां पे एडमिशन ले लिया, हो सकता है पढ़ने में अच्छा हो, कट ऑफ में आ गया, और साथ के साथ सीए करने जा रहा है, उसके पास ही कैन अफोर्ड, या कैट की तैयारी कर रहा है, वो आराम से वहां पे मोटी फीस दे रहा है और कर रहा है। अब कॉलेज, अब वो कॉलेज की जो सीट है वो तो उस गरीब बच्चे को डिप्राइव कर दिया जिसके लिए सरकार पैसा दे रही है। तो ये 210,000 रुपये जो पर स्टूडेंट लॉस हो रहा है, वो तो मतलब इन बच्चों को खुश होना चाहिए कि भाई रिकवरी नहीं हो रही अभी इनकी 210,000 रुपये की। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो वो एजुकेशन, आप करने, आप एमिटी यूनिवर्सिटी चले जाओ, आप अशोका यूनिवर्सिटी चले जाओ, जाओ ना वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओ ना, वहां जाके फिर आप दूसरा कोर्स नहीं करते हो। क्यों? वहां पे आपको 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए आप दे रहे हो वहां पे। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिले हुए हैं तो यहाँ पे आपको परवाह नहीं लगती, फिर आपको लगता है ये तो 15,000 रुपए में हमारे को एजुकेशन दे रहे हैं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो और कुछ करते हैं। वहां क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स ऐसा? वहां तो हॉस्टल की फीस भी देते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। तो ये बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ, एक जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो मुझे लगता है कि एक नेशनल वैल्यूज भी समझना बड़ा जरूरी है। देश के लिए क्या करना है वो एक भावना हमारे बच्चों में, मुझे लगता है आज के ये यूथ में ना, ये जगानी बड़ी जरूरी है कि व्हाट इज फॉर द कंट्री, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट फॉर माय कंट्री, वो कैसे मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। मेरे को सिर्फ पैकेजेस मिल जाए, मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, वो ठीक है, पर क्या हम वो वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, क्या ये बच्चों में इम्बाइब कर रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है। सो कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ। यस, आपने जैसे बोला कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है आजकल, उनको साथ में अपने प्रोग्राम्स के साथ में ही इधर उधर कोचिंग करना है, सी के वो करना है, लेकिन उसमें सोसाइटी की भी वो है कि वो बहुत ज़्यादा मांग रही है बच्चों से। तो टीनेजर्स जो होते हैं उनके फॉर्मेटिव ईयर्स इन सब में जा रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, ये तीनों चीज़ जब मैं कर लूँगा तो प्रोबेबली इसमें से एक चीज़ में मैं सही कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि ये ना अपने ऊपर भरोसा होने की बड़ी ज़रूरत है। मतलब ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि मैं 5 जगह लॉटरियाँ खरीद लेता हूँ, एक तो निकली जाएगी। वो अप्रोच बड़ी गलत है। अभी आपको एक इंस्टांस बताता हूँ मैं, कल ही का। कल एक स्टूडेंट आया, उसका IIM अमृतसर में एडमिशन हो गया और उसने, वो थर्ड ईयर में था अभी बच्चा, अभी एग्जाम दिए, वो कह रहे जी वहां पे ना वो लोग प्रोविजनल डिग्री मांग रहे हैं, प्रोविजनल डिग्री मांग रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ गिविंग प्रोविजनल डिग्री बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। भाई अगर आप 6 सेमेस्टर में अपियर हुए तो उसका रिजल्ट आएगा, उसी के बेसिस पे हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाएंगे कि यस यू हैव पास्ड इट, डिग्री आएगी जब भी आएगी। तो हमने कहा नहीं सर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे प्रोविजनल डिग्री चाहिए हमारे को। हमने उसका एक सर्टिफिकेट भी बना दिया कि भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसका एडमिशन कैंसिल ना किया जाए। तो उसने 25 लाख रुपए का लोन भी ले लिया बच्चे ने फीस भरने के लिए, और वो उसको अब एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा रिजल्ट ही नहीं आया पहले। अब मैं बच्चे को ये सोच रहा था, इन्होंने इतनी मेहनत की, कैट की कोचिंग की, और उसके बाद अब वो लोग तेरे को एडमिशन तभी दे रहे हैं जब तेरे डिग्री का रिजल्ट आ जाए, जब रिजल्ट आ जाएगा। दे आर नॉट रेडी टू वेट। मतलब इतनी जल्दी में हमने क्या हासिल किया? वो एडमिशन भी गया, और जो कॉलेज में हम जो लाइफ दे पाते हम वो भी नहीं कर पाए। तो थोड़ा मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है। जब वो बच्चे कहते हैं ना कि बच्चा क्लास में नहीं आ रहा जी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फॉल्ट उस टीचर का है जिसकी क्लास में बच्चा नहीं आ रहा। क्योंकि जो अच्छा मूवी हॉल में, अगर सिनेमा हॉल उसमें अगर दर्शक नहीं जा रहे तो दर्शकों की गलती होती है या पिक्चर बनाने वाले की होती है? इसका मतलब मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है ना, इसीलिए सिनेमा हॉल्स खाली जा रहे हैं। और जब मूवी हिट होती है तो वो क्यों हिट होती है?
क्योंकि वो मूवी अच्छी होती है। तो वो टीचर्स अगर क्लास खाली जा रही है तो भैया वो टीचर को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रेशर्स ऑन देम, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, उनके पास अपने पेरेंट्स को का ध्यान रखने के लिए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं उनसे, तो इस दौरान वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखे, क्या आप अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? देखो, मेरा तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा एग्जाम्पल लेके बच्चे आज के टाइम में चले, क्योंकि माई स्टोरी इज लाइक टोटली डायरेक्शन लेस, यू नो। वो तो मतलब ऐसा हुआ कि हम चलते गए, रास्ता दिखता गया और हम आगे पहुंचते गए। जब आप कई बार पता नहीं पता होता ना रास्ता कहाँ जाए, अच्छा चल यहाँ ले लेते हैं, देखा तो अच्छा ये रास्ता आगे जा रहा, चलो यहाँ से निकल जाते। तो आज के उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, ये सब चीज़ें नहीं होती। आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर लें उन्हें करना क्या है, और जिस चीज़ में भी एक तो वो अपना पोटेंशियल एनालिसिस ज़रूर कर लें, एक सेल्फ एनालिसिस बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कभी कोई भी सक्सेस चीज़ को अचीव करने, कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए। एबिलिटी, अब उसमें दो तरह की एबिलिटीज होती है, एक तो सेल्फ परसीव्ड एबिलिटी, क्या मेरे अंदर है, एक दूसरा टीचर्स, एक आपके जो मेंटोर हैं वो इसलिए बड़े जिंदगी में कई जरूरी होते हैं, जो आपको ये बता सके यस तेरे अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। तो हमारी एनईपी में ये मेंटर मेंटी का प्रोग्राम का मतलब कॉन्सेप्ट भी इसीलिए है कि वो एनालिसिस आप किसी से भी कराओ, जो आपके टीचर्स हैं वो बहुत बेटर पोजीशन में होते हैं। पेरेंट्स को तो अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो आपके अंदर सेल्फ एबिलिटी है, टीचर्स ने बोला कि आप, देन योर विलिंगनेस, कितनी आप मेहनत कर सकते हो, कितनी विलिंगनेस है आपकी, तो उस एरिया को आप आइडेंटिफाई कर लो कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ या मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो आपका ड्रीम जब तक नहीं बनेगा, जब तक पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने तो सोच लिया कि मेरे, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाऊंगा। जब तक वो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हाँ मेरे पापा का या मेरे मम्मी का जो ड्रीम है या मेरे पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो ड्रीम मेरे साथ अलाइन हो रहा है, और जब तक वो उसके लिए स्ट्राइव नहीं करेगा तब तक वो अचीव नहीं करेगा। नहीं तो पेरेंट्स प्रेशर डालें, समाज प्रेशर डालें, कुछ भी डालें, कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले। एंड में क्या होता है, आप गए थे साइंस, तैयारी करी थी साइंस की, फिर बाद में आपने 11th में, मैंने ऐसे देखे हैं बड़े सारे बच्चे डिसओरियंट हो गए लाइफ में, क्यों, पेरेंट्स ने बोला था साइंस पढ़, क्यों, हमारे पड़ोसी बच्चे साइंस करके इंजीनियरिंग करके निकल गया आईआईटी में, टू साइंस ले, उनने साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद पता लगा जी पास ही नहीं हुए, मैथमेटिक्स में पास नहीं हुए, फिजिक्स। तो उतनी बेसिक ना, आप पेरेंट्स को भी ये चाहिए अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई हाँ ये पोटेंशियल है कि नहीं है, ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें उससे, जितनी उसको उतना ही। आप देखो ना कि आपको हर चीज की डोज, मेडिसिन भी लेते हैं तो उसकी प्रिस्क्राइब्ड होती है डोज की इतनी है, हैवी डोज ले लोगे तो भी नुकसान करेगी, कम लोगे तो वो डांटना, वो स्ट्रिक्टनेस, वो भी जरूरत है बच्चों के लिए कंप्लीटली। मैं इसमें भी बिलीव नहीं करता कि बच्चों को कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया जाए, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको वो डायरेक्शन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा टाइट करना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो वो डायरेक्शन लेस हो जाएंगे खुद। यस सर, ने जो मेंटर मेंटी वाला प्रोग्राम की बात की उसमें जैसे मेरे जो 7-8 बच्चे थे उनके बारे में जब मुझे थोड़ा सा डीपली पता चला तो उनसे I was attached personally and I was able to look into their lives with the deeper meaning कि इनके साथ ये problems हो रही हैं, तो हाँ मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देना है इनकी उनकी problem को देखते हुए थोड़ा सा चलना है। तो और वो लोग भी, बच्चे आपको भूलेंगे नहीं कभी, जिन बच्चों को आप ये समस्या उनकी समाधान करोगे ना वो आपको भूलेंगे नहीं, आपको याद रखेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे बच्चे आएंगे लेकिन वो टीचर आप ही रहोगे उनकी लाइफ में। हमारे वाइस चांसलर साहब एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि आप
सोचो आंख बंद करके कि कौन सा टीचर आपकी जिंदगी में ऐसा आया जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया, बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसको आप पसंद करते थे। तो अगर हम सोचते हैं तो हमारे जहन में कौन से ऐसे टीचर आते हैं, तो स्कूल का टीचर आता है या कॉलेज का टीचर आता है। तो रेशो ये पाई गई कि स्कूल का टीचर ज्यादा मेरे जहन में आता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे टीचर ज्यादा कनेक्टेड रहता था बच्चों से, कॉलेज लेवल पे उतना कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो पाता। लेकिन अगर कॉलेज में कोई स्टेब्लिश कर पा रहा है तो आप ये सोचो कि क्या मैं वो टीचर बन पा रहा हूँ कि ये बच्चे मेरी क्लास के कल को आंख बंद करेंगे, इनसे कोई 10 साल बाद पूछेगा कि बताओ तुम्हारी कोई बेस्ट टीचर कौन था, तो क्या वो तुम्हारा नाम रिकॉल कर पाएगा? अगर कर पाएगा तब तो आपने टीचिंग प्रोफेशन से जस्टिस किया, नहीं कर पाया तो आपने टाइम पास किया। Now, to the students, now this is a very interesting question, that do the students of our college inspire you in any way? बिल्कुल करते हैं। और स्टूडेंट्स क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति इंस्पायर करके चला जाता है। मैंने ना एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, अभी भी हम करते हैं, जिसको हमने नाम दिया संपर्क सभा, विद्यार्थी संपर्क सभा, जिसमें हम स्टूडेंट्स के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सबकी मीटिंग करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ को बिठाते हैं, टीचिंग स्टाफ को, TICs वगैरह को बिठाते हैं, और उनसे उनकी समस्या पूछते हैं, और वो सामने की सामने ही वहीं पे वो बताते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि ये टीचर क्लास नहीं लेता, या मेरे से ऑफिस में ये प्रॉब्लम होती है या ये होती है, उसमें सजेशंस भी आते हैं। तो एक बच्ची का बड़ा अच्छा सजेशन आया कि सर जो हम फाइन कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई इनडिसिप्लिन पे फाइन हुआ या किसी उस चीज पे फाइन हुआ, तो वो पैसा जो है हम बच्चों को कुछ जो बच्चे बाहर से आते हैं, तो मान लीजिए किसी को चोट लग गई या कुछ ऐसा हुआ तो कहीं मेडिकल हेल्प उसको जरूरत है या कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो हम कर सकें। तो मुझे मतलब लगा कि नहीं, एक फीस इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, और साथ में ये जो बात बोली है उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन साथ में मुझे लगा कि बच्चों को ना ये जो एड है, फाइनेंशियल एड है जो है क्लास में, जो ये कॉलेज की जो फीस देनी है, ये तो एक पार्ट है, उसके अलावा जो है जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनको एक तरह से वो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया पेरेंट्स ने बाहर, तो उनके हम गार्जियन हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे। तो हमने जो फीस बढ़ाई उसमें एक सब्सटैंशियल पोर्शन हमने स्टूडेंट एड फंड का भी बढ़ाया, और इस बार हमने मतलब अब तक हाईएस्ट है 31 लाख रुपए हमने जो है ना बांट दिया बच्चों को जो फीस में। सो एक सब्सटैंशियल अमाउंट है ये जो आज तक नहीं बांटा गया। तो जितने भी बच्चे ऐसे थे जिनको जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उसके अलावा किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए थी वो भी हमने दी, और उसके अलावा मतलब आप ये बताओ कई ऐसे बच्चे भी निकले जिनको और तरह की भी कोई समस्या आई, उन्होंने जो बताया बच्चों को जो जेन्युइन लगी है हमारे को, तो उसमें भी हमने उनकी मदद की। तो बच्चे इंस्पायर करते हैं, बच्चे अच्छे सजेशंस भी देते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं हम डेली बेसिस पे। सो दिस अमाउंट, दिस दैट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग दैट वी अचीव्ड थ्रू द एडवाइस ऑफ अ स्टूडेंट। वो बड़ा जरूरी है, स्टेक होल्डर से आप इनपुट्स नहीं लोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। नो सिस्टम्स, साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही है कि जब तक आप फीडबैक लेते रहोगे आपका सिस्टम रोबस्ट होता जाएगा, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। फीडबैक बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। आपकी हमेशा से ये रेपुटेशन रही है कि देयर इज दिस ओपन डोर पॉलिसी विद द स्टूडेंट्स, सो हाउ इज इट दैट यू स्टे कनेक्टेड विद योर स्टूडेंट्स, हाउ इज इट दैट यू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस? देखो, जब ये ओपन डोर पॉलिसी तो है ही कि कोई भी बच्चा आके कुछ मिलेगा। दूसरा, हम ना मीटिंग्स करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विद्यार्थी संपर्क सभा है, उसमें तो सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव से सबसे मिल लिया, फिर जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं स्पोर्ट्स वालों से मिल लिया, ECA का एक सेक्शन है ECA वालों से मिल लिया। तो इन बच्चों से मिलने से, फिर इन जब हमने मिले इन लोगों से, इवनिंग में भी हमने एक इस तरह की शुरुआत की NSS के इनिशिएटिव से, तो उन्होंने ये बच्चों ने बताया कि सर मतलब हमें पता नहीं था कि मतलब प्रिंसिपल अप्रोचेबल होता है, कि आप से हमें बड़ा एक कई बार लगता है कि बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं, फिर कई बार ये लगता है कि नहीं हमारी सुनते भी हैं। तो वो बोला ना कि वो बैलेंस है और वो रहना भी जरूरी है। जस्ट पेरेंट्स भी तो यही करते हैं, घर पे पेरेंट्स क्या करते हैं,
डांटते भी हैं है ना, और फिर प्यार भी करते हैं, जो आपको चाहिए वो देते भी हैं। तो यही होना भी चाहिए, टीचर को भी यही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को भी यही होना चाहिए, यू आर द गार्जियन ऑफ द एंटायर कॉलेज, तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। ए बेस्ट टीचर और ए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और द प्रिंसिपल इज हु इज हेटेड एंड लव्ड बोथ एट द सेम टाइम। तो अगर आप सिर्फ इफ यू आर बीइंग टोटली लव्ड, हेटेड इन द सेंस, इन द सेंस के थोड़ा डर भी होना चाहिए, इट स्मॉल डिग्री ऑफ फियर मस्ट बी देयर, रेस्पेक्ट मस्ट बी देयर, डिसिप्लिन मस्ट बी देयर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर। यस, सो मुझे भी अथॉरिटीज या प्रिंसिपल्स टीचर्स इनसे बहुत डर लगता था, बट यू डू मेक पीपल अराउंड यू कंफर्टेबल। नाउ ऑब्वियसली आपको सब लोग एज अ लीडर ऑफ द कॉलेज देखते हैं, एज अ प्रिंसिपल, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो, यू आर समवनस फादर, यू आर समवनस सन, यू आर समवनस हस्बैंड। सो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल? ये बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स भी हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, और फैमिली भी है, मतलब वाइफ भी है, बच्चा भी है, सभी लोग हैं परिवार में। तो मैंने थोड़ा सा मंडे टू सैटरडे, मतलब इस तरह से जाता है कि कई फ्राइडे तो रखा ही हुआ है, मंडे टू फ्राइडे पूरा कॉलेज को डेडिकेटेडली, सैटरडे हाफ डे कॉलेज को देता हूँ। सैटरडे जो शाम है वो फैमिली के साथ। यूजुअली क्या होता है, मैं 9:30-10 बजे तक घर पहुँचता हूँ, तो वो वाइफ और बेटा वो आधा घंटा लेते हैं वो साथ में। जब मैं खाना खाता हूँ तो वो साथ में बैठते हैं, पूरे दिन भर की बातें बताते हैं। तो बाय 10:30-10:45 वो आधा घंटा 45 मिनट मिलता है रोज अपने परिवार से बात करने के लिए। सैटरडे शाम को हम लोग थोड़ा समय ज़्यादा बिताते हैं। संडे को पेरेंट्स के लिए रखा हुआ है, तो संडे जो है वो मैं पेरेंट्स के पास जाता हूँ, वहाँ पे उनके साथ समय बिताता हूँ। अभी तक तो ऐसे ही बैलेंस बन पा रहा है। कई बार क्या होता है, कॉलेज की जब कमिटमेंट्स हो जाती हैं, सैटरडे संडे को भी हो जाती हैं, तो फिर वो इंतज़ार करते रह जाते हैं कई बार, फिर उनका फ़ोन आ जाता है, आया नहीं, फिर फ़ोन पे बात हो जाती है। तो इंस्टीट्यूशन, तो देखो अगर हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ठीक है, ये कहना बड़ा आसान होता है कि अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो पर्सनल लाइफ में चुकानी पड़ती है। आप किसी को भी देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के परिवार पूरा, उन्होंने बोला पूरा 100 करोड़, 150 करोड़, 140 करोड़ की जनता ही मेरी फैमिली है, है ना। तो लोग मतलब फैमिली के साथ ये इंस्टीट्यूशंस चलाने, उनका स्ट्राइक करना, बैलेंस करना, तो चैलेंजिंग टास्क है। डू यू फील एज कि हम लोग आपकी फैमिली हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। मेरे को भी लगता है पूरा कॉलेज मेरा फैमिली है। नहीं तो देखो, आप जो काम करते हो उसमें आप एंजॉय ना करो ना। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई, जो हमारे और भी जो प्रिंसिपल, यूजुअली प्रिंसिपल से आप पूछोगे, तो एक प्रिंसिपल ने, जब मैं प्रिंसिपल बना तो उन्होंने बोला कि अरे भाई आप बन तो गए हैं, चलो अच्छी बात है, मेरी तरफ से बधाई, लेकिन ये कांटों का ताज है, ठीक है। तो कईयों ने बोला अरे मेरे को तो इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती थी बीपी की, इतनी, मतलब टचवुड, मुझे लास्ट 1.5 ईयर आई एंजॉयड बिकॉज आई हैव ए कमिटमेंट टुवर्ड्स माई इंस्टीट्यूशन। मतलब मेरे को पैशन है भगत सिंह कॉलेज से, तो मुझे एक भी दिन सुबह उठ के मैं घर पे नहीं रुकना चाहता। मुझे लगता है मैं बीमार भी यहाँ पर आया हूँ। आप देखो कि मेरी छुट्टियाँ कितनी ली हैं मैंने 1.5 साल में। मतलब मैं अगर घर, मतलब अगर मैं ऐसा है ही नहीं आया तो मुझे बाहर जाना पड़ा होगा दिल्ली से, तो बात अलग है। अगर मैं दिल्ली में आऊँ तो मैं कॉलेज में हूँ वर्किंग डे में, कभी भी ऐसा नहीं है। मतलब आई स्ट्राइव फॉर कमिंग टू कॉलेज। मुझे लगता है आज कुछ और काम हो जाए, और कुछ काम हो जाए, और कुछ डेवलपमेंट हो जाए, और कुछ ये हो जाए। तो दिस कम्स ओनली व्हेन यू एंजॉय यू नो योर वर्क एंड यू लव डूइंग व्हाट यू वांटेड टू। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को तो पता है दैट यू हैव बिग गोल्स एंड लार्जर ग्रेटर विजन फॉर द कॉलेज, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट
are some of the future goals and projects that you are excited about as the principal of Shaheed Bhagat Singh College? देखिए projects बड़े सारे lined up हैं और जो सबसे बड़ा मेरा एक dream project जो यहाँ पर है वो है, जैसे हमारे college में auditorium नहीं है तो वो एक huge multi-purpose hall बनने वाला है 1200 की capacity का. That will be indoor basketball court also and air conditioned होगा वो. उसके अलावा 400-400 की capacity के दो halls और बनेंगे. अभी बच्चे मैं देख रहा था कि examination देते हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, पंखे मतलब हीट ही इतनी है. जब वो बन जाएगा हम सारे बच्चों का, 1000-1200 के बच्चे ही एक एग्जाम देते हैं एक दिन में ना, मतलब जो हमने देखा है, तो उस पूरे एसी हॉल में हम एग्जाम ले सकते हैं बच्चों का. वो मल्टीपर्पज हॉल क्रिएट करने का पर्पस ही हमारा ये है. तो वो मेरा बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कॉलेज के लिए लाइफ चेंजिंग होगा और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी चेंज हो जाएंगी. इंडोर आपके टेबल टेनिस है या बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, जिमनेजियम आ जाएगा. तो ये सारी चीजें, जो क्रिकेट ग्राउंड है फ्लड लाइट्स लग जाएंगी उसमें, विल हैव एंटायर रिवैम्प. और जो ये मल्टीपर्पज हॉल बनेगा उसके ऊपर जो है सिटिंग, एक जैसे स्टेडियम के अंदर सिटिंग होती है, ऊपर चेयर्स लग जाएंगी तो यू कैन जस्ट सी एंड क्रिकेट मैच देख सकते हो आप वहां से व्यू से. और वी हैव प्लान्ड 20 मोर रूम्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द कॉलेज. वो 20 रूम आ जाएंगे तो उसके बाद आप देखिए कि कितनी जो क्रंच रहता है कि ये सब्जेक्ट हम फ्लोट नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे तो देखो बोलते हैं कि कॉलेज लिमिटेड ऑप्शन फ्लोट करता है. देन वी कैन फ्लोट जितने भी हैं ऑप्शन हम फ्लोट करेंगे, हमारे पास रूम्स हैं, एट द सेम टाइम हम मल्टीपल क्लासेस चला पाएंगे. तो वो लाइब्रेरी हमने ऑर्डर टेंडर दे दिया लाइब्रेरी का रिनोवेशन का, वी आर जस्ट वेटिंग. वो सामने उसके हम 4 रूम्स बना रहे हैं तो लाइब्रेरी टेम्परेली हम अभी हम शिफ्ट करेंगे. तो बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी अभी बंद हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, तो दैट इज़ फॉर द बेटर फ्यूचर कि जब हमें करना है तो थोड़ा सा बियर करें उस चीज़ के लिए. और लाइब्रेरी जब खुलेगी तो एंटायर एयर कंडीशन लाइब्रेरी होगी, पूरी वाईफाई होगी, वाईफाई की स्पीड पूरी बड़ी मिलेगी, तो लाइब्रेरी वाला पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा. स्पोर्ट्स का वो हम कर ही देंगे मल्टीपर्पस हॉल के साथ साथ, जो जिमनेजियम और वो सब बनाएंगे, फ्लड लाइट्स लग जाएंगी और 20 से कमरे जो हैं हमारे और आ जाएंगे. दूसरा गेट हमने ऑपरेशनल कर ही दिया है. उसके बाद फिर कैंटीन का एक डेवलपमेंट हमें करना है और कैंटीन को भी हम एयर कंडीशन करने के प्लान में है. सब स्टेशन हमने इलेक्ट्रिक सब स्टेशन लगा ही दिया. अब देखो ये सारी चीज़ें अब जब आप करोगे तो इट हैज़ ए कॉस्ट. तो वो जो है ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि गरीब बच्चे पे बोझ ना पड़े और जो अफोर्ड कर सकता है ना वो इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाए सारी चीज़ें. तो 15,000 रुपये 16,000 रुपये आज भी मगर मैं देखता हूँ हमारी कॉलेज की फीस सबसे कम है. अगर आप नॉर्थ जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं उससे आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को, इन नेक्स्ट थ्री ईयर्स यू विल सी दैट शहीद भगत सिंह कॉलेज विल नॉट हैव एनी सच facility which any college, not only in Delhi University, in the entire country is having, and they say कि ये भगत सिंह कॉलेज में नहीं है. सो आई वॉन्ट दैट. तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ये मतलब लाइंड अप है एंड दिस इज द रीजन दैट मुझे नहीं पता चला 1.5 साल मेरा कैसे निकला है. मतलब मुझे टाइम फ्लाई पता नहीं चला. So I really, really admire your visions and goals. And thank you for taking out your time from your busy schedule and talking to us. Now this interview was for the Vani magazine, and I would really again just like to would want to thank you ki aapne time nikala aur hum sab se itni baat ki. Thank you.